820 में न्यूटन के गति का दूसरा नियम, इसे समझाना तो है ही, लेकिन संवेग का अच्छी तरह कंसेप्ट आया कि नहीं आया या कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जस्ट एक बार यूं ही चर्चा कर देते हैं। अगर हम लोग मान ले पांच सौ ग्राम क्रिकेट का गेंद है ये, और इधर मान लो पांच किलोग्राम का एक बड़ा गोला है, ठीक है। ये 500 ग्राम का अर्थ हो गया एक बटा दो किलोग्राम, आधा किलोग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लोगे तो एक बटा दो किलोग्राम क्रिकेट का कोई गेंद है, और ये 5 किलोग्राम का एक पत्थर का या लोहा का एक गोला है। तो इस 5 किलोग्राम वाले गोली को अगर मान लो हम 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से इस पर कुछ बल लगाना होगा, तो ये बल लगाएंगे, एफ का अर्थ हो गया फोर्स, एक बल अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, अब मान लो 50 न्यूटन या 60 न्यूटन, एक निश्चित बल लगाने पर 5 किलोग्राम का लोहा का गोला 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलने लगा। तो ऐसी स्थिति में इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग मोमेंटम, संवेग किसको किसको कहते हैं, मात्रा और वेग के प्रभाव को, यानी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो पड़ता है, इसके कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग संवेग कहते हैं। जो कितना होता है तो उस पिंड का मात्रा, जिस पिंड में हम फोर्स लगाकर उसमें वेग वेलोसिटी उत्पन्न करते हैं, त्वरण उत्पन्न करते हैं, तो संवेग का अर्थ ही हुआ मात्रा और वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्योंकि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट संवेग कहलाता है, है ना। जैसे अब ये 5 किलोग्राम वाला ये एक गोला 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलने लगता है, तो इसका संवेग कितना हो गया, मात्रा कितना हो गया 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो अंक को अंक से हमेशा गुना करेंगे, तो 5 × 5 यानी 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का ऐसे मात्रक होता है, बतला भी है। तो इसका संवेग कितना हो गया पत्थर के गोले का, 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, समझ गया। अब ये 500 ग्राम वाला एक क्रिकेट का गेंद है, उस पर भी मान लो हम कुछ फोर्स अप्लाई करें, कुछ बल लगा दें, और ये प्रति, ये 5 मीटर नहीं बल्कि ये तो ये उस पर हम इतना बल लगाते हैं ताकि इसका वेग कितना हो जाता है, मान लो 100 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल पकड़ लेता है, समझा। बल्ला से क्रिकेट को गेंद तो मारता है नहीं जी, तो 500 ग्राम का है, तो मान लो इतना फोर्स लगाया बल्लेबाज अपने बल्ले से जो ये 100 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ग्राउंड पर भागने लगा या हवा में उसकी चाल हो गई, तो उस समय इसका संवेग कितना होगा, तो संवेग बराबर मात्रा गुने वेग,
तो ये 500 ग्राम यानी आधा किलोग्राम का क्रिकेट का गेंद, अब निकालो मात्रा कितना, 1/2 किलोग्राम, तो 1/2 किलोग्राम वेग 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो अंक को अंक से काटो, 2 और 100 कट करके 50 हुआ, 1×50=50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। यानी यह मात्र 500 ग्राम का क्रिकेट का गेंद और ये 5 किलोग्राम, बहुत ज्यादा हुआ नीचे, 5 किलोग्राम वाला के तुलना में इसका संवेग अधिक है, इसका है तुमको 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 25, इसका है 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 2 गुना है। तो इसका अर्थ ये हुआ क्रिकेट का गेंद ये लोहे के गोले से ज्यादा घातक होगा, ज्यादा घायल करेगा इसकी तुलना में। तो यही चीज है संवेग, यहाँ देखो द्रव्यमान कम है मात्र 0.5 किलोग्राम, यहाँ द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, क्योंकि इसकी चाल 100 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी चाल मात्र 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन द्रव्यमान देखो 5 किलोग्राम का, लेकिन संवेग हम लोग निकाले हैं तो ये 500 ग्राम यानी 0.5 किलोग्राम वाला क्रिकेट के गेंद का संवेग हो गया 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और 5 किलोग्राम वाला का मात्र 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो 25×50 इसका 2 गुना संवेग है। इसका मतलब ये 500 ग्राम वाला ज्यादा घातक होगा, किसी को लगेगा शरीर में इसके तुलना में, तो ये 5 किलोग्राम वाला उतना घायल नहीं करेगा इस रफ्तार से, जो 500 ग्राम वाला इस रफ्तार से 2 गुना घायल करेगा, इससे जितनी चोट लगेगी इससे 2 गुने ज्यादा चोट लगेगी। इसका अर्थ है जो वेग का भी प्रभाव है ना, अब यही रफ्तार अगर इसको दे दे 100 मीटर प्रति सेकंड, ऐसी स्थिति में तुम मान लो कल्पना करो 100 मीटर प्रति सेकंड का कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ 100 से गुना कर दो तो 5000 हो गया, 500। अब जो है ये 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग है इसी रफ्तार में, और इससे देखो द्रव्यमान ज्यादा है, दोनों का वेग एक समान है, ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण इसका हो गया 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका 50 × 50 = 10, 500, इसका मतलब ये जो है किसी को मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि इससे 10 गुना ज्यादा संवेग है, इसलिए 10 गुना ज्यादा मारक क्षमता इसकी होगी, होगी ना, 10 गुना ज्यादा इसकी शक्ति है, इस तरह से ये समझो। तो संवेग वस्तुतः मात्रा और वेग दोनों का संयुक्त प्रभाव है, जो संवेग उस पिंड के मात्रा और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब संवेग के बारे में कुछ बातें और जान लेना है, जैसे किसी सड़क पर 2 मोटरसाइकिल वाला आ रहा है या 1 ही मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, तो मान लो एक का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों में से अगर अचानक एक्सीडेंट होती है, ब्रेक लेता है, तो किसकी दुर्घटना अधिक भयावह होगी, जिसका पहले वजन जिसका, दोनों मोटरसाइकिल का द्रव्यमान समान होगा मान करके चलो, साथ हीरो होंडा ही है मान करके चलो,
500 किलोग्राम है मोटरसाइकिल का, दोनों मोटरसाइकिल का द्रव्यमान। तो हम लोग संवेग निकालेंगे तो द्रव्यमान तो अस्थिर है, फिक्स है, दोनों का फिक्स है ना, बढ़ घट बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है ये, यानी अस्थिर है। लेकिन ये वेग जिस मोटरसाइकिल का अधिक है उसका संवेग भी अधिक है, होगा ना, क्योंकि संवेग बराबर ही होता है मात्रा गुने वेग। इतना होता है तो मात्रा जब अस्थिर रहे, ये घटे बढ़े नहीं, यहाँ पर फिर हम लोग उदाहरण ले लें, 500 ग्राम का मात्र क्रिकेट का गेंद है, यानी आधा किलोग्राम का क्रिकेट का गेंद है, बिल्कुल अस्थिर है तो वेग शून्य हो गया, तो 1/2 किलोग्राम गुने 0 मीटर प्रति सेकंड, तो 0 से जब ये गुना होगा तो संवेग शून्य है। लेकिन अगर वेग हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका मतलब संवेग बढ़ेगा। ध्यान से देखो, संवेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक क्वेश्चन ही इस पर समझ लो तब इसको लिखना है। संवेग के बारे में 100% कंसेप्ट हो जाने पर ही न्यूटन के गति का दूसरा नियम बेहद हल्का लगेगा, इसलिए फोकस इस पर करना है। तो संवेग किस पर निर्भर करता है, मात्रा और वेग दोनों पर। अगर मात्रा पी बराबर पी से व्यक्त करते हैं संवेग को, पी बराबर एम भी, एम का मान बढ़ाया जाए तो पर भी संवेग बढ़ेगा, भी का मान बढ़ाया जाए तो पर भी संवेग बढ़ेगा, अगर दोनों का एक साथ बढ़ाया जाए तो संवेग बहुत तेज गति से बढ़ेगा। जनरली हम लोग किसी भी पिंड का उदाहरण देंगे, जैसे एक मान लो 3 किलोग्राम का लोहे का कोई पिंड है और ये इसका संवेग बढ़ाना है, इसका 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, तो 3 किलोग्राम का है, 5 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है वेग, तो संवेग कितना हो जाएगा, तो संवेग पी बराबर एम भी, तो पी बराबर एम हो गया तुमको 3 किलोग्राम गुने ये 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 3×5=15 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग अभी है, यानी 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जरा बात को ध्यान से समझते जाओ, हम कहना क्या चाहते हैं, अभी इसका 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग है, अगर इस पर दस न्यूटन का बल किसी पिंड पर लगाते हैं जिस पिंड का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और चाल कितना था, ये 3 किलोग्राम 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 किलोग्राम द्रव्यमान लिख लेते हैं, तो 3×5=15 5 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया। 10 न्यूटन का बल लगाते हैं किसी 3 किलोग्राम वाला पिंड पर, तो उसका संवेग 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ, ये समझ गया तो ये चीज कुछ नहीं है। अगर हम मान लेते हैं 10 को 2 से गुना करेंगे, अब 20 न्यूटन का बल लगाएंगे तो इसका संवेग हो जाएगा 10×20, बल दोगुना कर दिए तो संवेग मान लो हो जाता है 15×30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
फिर मान लो 10 या 30 बल तिलगुना करते हैं तो ये 15 या 45 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो संवेग में जो ये परिवर्तन हो रहा है, बल बढ़ाते हैं तो संवेग में देखो परिवर्तन हो रहा है। इसको हम लोग पीछे वाला पार्ट में भी बोले थे, जो संवेग में परिवर्तन होता रहता है तो इसके लिए हमें फोर्स बढ़ाना पड़ता है। अगर स्टेशन पर से कोई रेलगाड़ी खुलती है तो अभी रेलगाड़ी बिल्कुल अस्थिर है, तो गाड़ी जिस समय खोली जाती है ड्राइवर के द्वारा, रेल को चलाने वाले, तो गाड़ी जब खुलती है तो एकाएक नहीं तेज होती है, तेज होती है देखना, स्टेशन से खुलती है इसका वेग बढ़ने लगता है और होते होते टॉप पर आ जाता है। सबसे तेज गति में कुछ निश्चित दूरी तक चलती है और जब स्टेशन आने आने पर रहता है तो फिर उसका उसकी चाल या वेग कम होने लगती है। तो इसका अर्थ है इसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा रेलगाड़ी का, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान मान लो m है। इस पर कुछ बल लगाना पड़ेगा, कोई पिंड विराम अवस्था में है तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए कुछ न कुछ बल लगाना पड़ता है ना। तो मान लो F बल लगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन जितना लगाना हो, तो रेल ये गतिशील होने लगी, कुछ बल लगाया गतिशील हुआ। जैसे हम लोग साइकिल पर चढ़ते हैं, बाईसाइकिल 1500-2000 वाला पर, तो चढ़ते हैं तो एकाएक तेज रफ्तार नहीं करते हैं, पैडिंग देना शुरू करते हैं, बल लगाना शुरू करते हैं। जितना अधिक बल लगाते हैं उसका उसकी चाल उतनी अधिक बढ़ती है ना। क्योंकि साइकिल पर हम हैं, मतलब जो बैठा हुआ है, तो साइकिल का प्लस उस आदमी का, बैठने वाला का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। वो आदमी मान लो 50 किलोग्राम का है, साइकिल कितना 10 किलोग्राम 60 किलोग्राम, तो साइकिल सहित वो व्यक्ति सहित साइकिल का द्रव्यमान कितना हो गया 60 किलोग्राम। अब ये 60 किलोग्राम उस पर बैठा हुआ आदमी बल लगाता है, जितना अधिक बल लगाता है पैडल देता है साइकिल उतनी ही तेज चाल से चलती है। तो ऐसी स्थिति में कल्पना करो यहाँ एम यानी 60 किलोग्राम साइकिल जोर बैठे हुए व्यक्ति का द्रव्यमान बराबर 60 किलोग्राम, और मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पहले कम बल लगाता है, कुछ बल लगाता है तो 2 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार है, फिर अधिक बल लगाता है तो बल बढ़ाता रहता है तो उसके संवेग में परिवर्तन होता रहता है। बोलो, संवेग तो फिक्स हो गया, मतलब संवेग सॉरी हाँ जैसे संवेग संवेग में फिक्स किया है, देखो एम भी एम तो फिक्स है 60 किलोग्राम, ये नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अब भी का मान अगर बढ़ाते हैं तब साइकिल तेज गति में चलने लगती है। ये भी का मान, वेग का मान बढ़ाने वाला कुछ न कुछ तो ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जिसे हम फोर्स कहते हैं, जो हम लोगों को जोर जोर से पैडल जितना जोर से लगाते हैं उतनी ही तेज गति से साइकिल आगे की ओर जाती है। तो अब जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, परिवर्तन का दर किसे कहते हैं, ये अच्छा से जानकारी है ना। एक होता है परिवर्तन, एक होता है परिवर्तन का दर, तो फिर हल्का झलक, एक होता है परिवर्तन, एक होता है परिवर्तन का दर।
मान करके चलो प्याज का दाम है 50 रुपये, कल प्याज का दाम था 50 रुपये प्रति किलोग्राम, समझ गया, 1 किलोग्राम का 50 रुपया कल इतना था, आज हो गया फिर 60 रुपया प्रति किलोग्राम। ध्यान से देखो, तो हम लोग कह सकते हैं जो 10 रुपया का परिवर्तन आया है प्याज के रेट में, कह सकते हैं ना 10 रुपया का परिवर्तन आया है। कितना परिवर्तन आया है? तो 10 रुपया का। जब ये कहेंगे परिवर्तन का दर, तो इसका मतलब इकाई किलोग्राम पर कितना परिवर्तन आया है। अगर 1 किलो का दाम 50 रुपया था, तो आज 1 किलो का दाम 60 रुपया है, इसीलिए परिवर्तन का दर हो गया 60 में से 50 घटाओ तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। तो परिवर्तन का दर हमेशा इसमें निकाला जाता है, एक में, इकाई में। तो ये भी याद रखो। इससे पहले त्वरण का भी हम रिवीजन कर दिए थे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी जो a बराबर कितना हुआ था, v माइनस u बाय t हुआ था ना। अच्छा, इससे पहले ये बोलो a समानुपाती b, तो इसका क्या अर्थ हुआ? a समानुपाती b, इसको क्या पढ़ेंगे? a समानुपाती b, इसका अर्थ बतलाओ। इसे है समानुपाती का। हाँ, समानुपात चैप्टर जबकि गणित में पढ़ा दिए हैं, समान अनुपात में रहना समानुपाती कहलाता है। जैसे मान लो इसका अर्थ ये हुआ, नहीं इसका इसका सिर्फ क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ अगर a का मान बढ़ेगा तो b का मान भी बढ़ेगा, अगर a का मान घटेगा तो b का मान भी घटेगा, इसका अर्थ ये हुआ। यानी अगर a और b दो फल है, समझा, तो दोनों फल में क्या संबंध है, तो ए का दाम होगा जितना, इसका दाम उसी के अनुपात में बढ़ेगा। यानी ए का दाम मान लो 5 रुपया है एक फल का, बी का है तुमको 10 रुपया कोई दूसरा फल है, और ए समानुपाती बी ऐसा है, तो इसका अर्थ हुआ ए का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान बढ़ेगा, ए का मान घटेगा तो बी का मान घटेगा, अर्थात ए का मान बढ़ेगा, एक फल का दाम 5 रुपया, अगर 5 से ये 2 गुना हो गया, 5 रुपया गुने 2 गुना हुआ, तो इसका अर्थ है ये 10 रुपया वाला एक फल का दाम हो गया, ए का जितना बढ़ेगा उतना गुना बी का भी बढ़ेगा, इसका अर्थ ये हुआ, ए का 2 गुना दाम बढ़ गया तो ये 10 रुपया वाला 10 रुपया गुने 2 रुपया, यानी 20 रुपया का ये एक फल हुआ, 5 रुपया से ये 10 रुपया का हुआ। अगर ये 5 या 15 रुपया में मिलने लगेगा तो ये 10 का 3 गुना 10 या 30 रुपया में मिलेगा, ये 5 चुका 20 रुपया का एक फल मिलने लगेगा तो ये 10 चुका 40 रुपया का ये मिलने लगेगा, ये 10 गुना बढ़ेगा तो ये भी 10 गुना बढ़ेगा, ये 15 गुना बढ़ेगा तो ये भी 15 गुना बढ़ेगा। तो समानुपाती का अर्थ ये होता है, कल्पना करो अगर पहला ए हो गया भोजन, अच्छा भोजन, आ इसको हम लोग मान ले हेल्थ, स्वास्थ्य, अच्छा भोजन बढ़ाएंगे तो हेल्थ भी अच्छा होगा, भोजन अच्छा होगा
तो हेल्थ भी अच्छा होगा, भोजन खराब होगा तो हेल्थ भी खराब होगा। यानी सीधे कह सकते हैं अच्छा भोजन हेल्थ का समानुपाती होता है, हेल्थ अच्छा भोजन का समानुपाती होता है। यानी अच्छा भोजन मिलने लगेगा तो हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान से देख लो, इसके बाद न्यूटन के गति का दूसरा नियम ही स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग कहे ए वेरिएबल ए और बी वेरिएबल का ये चिन्ह है समानुपात, ए समानुपात बी, तो इसका अर्थ ये हुआ अगर ए और बी कोई दो भाई है, दोनों में 100 रुपये का बंटवारा करना है, तो ए बड़ा भाई है, ये कहता है 3 हिस्सा हम लेंगे और बी कहता है 2 हिस्सा हम लेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं ए अनुपात बी बराबर 3:2। पहले भी बतलाए हैं, इसका अर्थ है ए बड़ा भाई 3 हिस्सा लेगा तो बी लेगा 2 हिस्सा। यानी इसको अनुपात को तोड़ते हैं तो ए बटा बी बराबर 3/2, तो ए बटा बी बराबर 3/2 का अर्थ हुआ अगर ए को मिलेगा 3 रुपया तो बी को मिलेगा 2 रुपया। अब ए को 3 × 2, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, इसको काट करके देखो अंत में यही आएगा, फिर 3 × 9, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 12, 2 × 2 = 8, इस तरह अनंत की ओर भागता है, भागता है ना। मेरे कहने का अर्थ ये अगर ए को 3 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया मिलेगा, ए को 6 रुपया मिलेगा तो बी को 2 × 2 = 4 रुपया मिलेगा। यानी दोनों के बीच में 3:2 का हिस्सा है, 3 / 1 हो तो 2 / 2 हो, तो ये समानुपात जब तोड़ा जाता है, जैसे इसको हम लोग ए वेरिएबल बी कहेंगे, इसको इसका अर्थ हुआ ए का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान बढ़ेगा। ए का मान 3 से 6 हुआ तो बी का मान 2 से 4 हो गया, नहीं हुआ ए का मान 6 से 9 हुआ तो बी का मान 4 से 6 हो गया। इसका मतलब ए समानुपाती बी है, ये इसको ए समानुपाती बी बोला जाता है, ए बटा बी को, समझ रहे हैं ना। और अगर हम लोग कल्पना करें ए और बी में, यानी ए बटा बी का मान ये है, तो देखो ए बटा बी 12 से 9 हुआ ए, तो बी 8 से 6 हो गया, यानी ए का मान 12 से घटकर 9 आया तो बी का मान 8 से घटकर 6 आया, है ना ऐसी बात। फिर 6 से घटकर 4 आया तो ए का 9 से घटकर 6 आया, काट करके अंत में 3/2 ही होता है। तो बटा में कोई भी वेरिएबल रहे, जैसे लिखा है ए बटा बी बराबर मान लो 8/2 रहे ना जी, ये कट करके आ गया 2 × 8 आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 4, है ना। इसका अर्थ ये हुआ ए बराबर कितना बोलो, बी को 4 से गुना करेंगे, 4 × 2 = 20, ध्यान से समझो। तो ए और बी में क्या संबंध है, ए और बी में ए बी का 4 गुना है, 4 गुना है। यानी अगर हम लोग ये कहे
ए और बी का क्या अनुपात है? तार के नीचे कुछ नहीं तो एक है, कहेंगे ए अनुपात बी बराबर 4:1 है, यानी ए का मान 4 बी का 1, अर्थात 1 × 4, 1 × 4 है 4, यानी बी आया है 1 के लिए, बी का 4 है 1। इसी को अगर हम लोग तोड़े तो किस अनुपात में है दोनों, तो इसको हम लोग कहेंगे ए बटा बी बराबर 4:1, यानी एक निश्चित संख्या 4 आया या 4:1, तो इसको कहेंगे ए समानुपाती बी। समझा क्यों कहेंगे? तो ए बराबर, देखो ए बराबर हो गया 4b, हुआ ना? इसमें a और b, a के लिए आ गया तुमको कितना, b बटा 4:1। अब एक टेबल बनाएंगे, जैसे मान लो a और b, a बराबर 4b, बी का मान 1 देंगे, ए का मान कितना होगा 4×1, यानी 4×1 = 4। ध्यान देते जाओ, ए समानुपाती बी का अर्थ जानने जा रहे हो। अब बी का मान, ये बी का मान 1 लिए, ए का मान आया 4 आया, बी का मान 2 लो तो 2×4 = 8 आएगा, बी का मान 3 लो तो 3×4 = 12 आएगा, यानी बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ है, इसको दो ढंग से कह सकते हो, बतलाओ तो ये टेबल क्या बतलाता है? देखो इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। बी का मान जब बढ़ता है 1 से 2 होता है, फिर 2 से 3 होता है, तो ए का मान देखो, बी का मान 1 रहता है तो 1 × 4, बी का हो गया 1×2 तो 1 × 4 = 8, बी का हुआ 1×3 तो 1 × 4 = 12, यानी दोनों में एक संबंध है, संबंध है ना, ए बराबर 4b में एक संबंध है जो हमें यह बतलाता है, अगर बी का मान बढ़ेगा, बी का मान 1 से 2 हुआ तो ए का मान हो गया 4 से 8, अगर बी का मान बढ़ेगा तो ए का भी मान बढ़ेगा, अगर बी का मान घटेगा तो ए का मान घटेगा। पहला निष्कर्ष, बी का मान 3 रहेगा तो ए का मान 12 है, बी का मान 3 से 2 आ गया, 3 से 2 तो 4×8 तो ए का मान 8, 12 से 8 आ गया, इसका मतलब ए का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान बढ़ेगा, बी का मान बढ़ेगा तो ए का भी मान बढ़ेगा। ए का अगर मान बढ़ावे तो देखो ए बराबर है 4, ए बराबर 4 तो बी बराबर 1 आएगा, यहाँ 4×2 तो 4, ये नीचे आएगा 4/4 तो बी का मान 1 आया, अगर फिर ए का मान तू 4 से 8 कर दो, यहाँ 8 देंगे तो बी का मान 4 नीचे आएगा, 4×2 = 8, बी का मान बढ़ रहा है, अर्थात ए समानुपाती बी, यानी ए समानुपाती बी हमें क्या बतलाता है? यह बतलाता है कि अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान बढ़ेगा, या बी का मान बढ़ेगा तो ए का भी मान बढ़ेगा, अगर ए का मान घटेगा तो बी का भी मान घटेगा, ए का मान घटेगा तो बी का भी मान घटेगा, बी का मान घटेगा तो ए का भी मान घटेगा। दूसरी बात, ए का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान बढ़ेगा, बी का मान बढ़ेगा तो ए का भी मान बढ़ेगा, तो ए समानुपाती हमें क्या बतलाता है? ए समानुपाती बी यही बतलाता है दोनों का मान कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, पहला का बढ़ेगा तो दूसरा का भी, और दूसरा का बढ़ेगा तो पहला का भी, है ना, पहला का घटेगा तो दूसरा का भी घटेगा, सेम कंडीशन उल्टा। तो इसमें इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से फिर एक बार देखो, यहाँ ए
ए समानुपाती बी, यानी ए का बढ़ेगा तो बी का भी बढ़ेगा। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू 4 है, बी का 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, ए का मान 4, बी का 1, है ना। यानी ए अनुपात बी, सॉरी ए समानुपाती बी को थोड़ा जो जाता है, जैसे इसको बराबर में हम लोग लिखेंगे ए बराबर के बी। अब कहोगी ये के क्या हो गया, समानुपात को, समानुपाती को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इसका अर्थ ये होता है एक नियत अंक आ जाता है, के एक फिक्स अंक है, नियत अंक। ये नियत अंक कौन सा चीज है तो इसी में देखो, ए का मान है 4 तो बी का मान 1 है ना, ए का मान फिर हो गया 4 से 8 तो बी का मान 1 से 2, फिर 4 से 12 हुआ इसका तो 1 से 3 हुआ बी का। तो दोनों के बीच संबंध क्या है देखो, तो ए में तू बी से भाग दो, यानी ए बटा बी लिखेंगे तो 4 बटा 1, फिर ए बटा बी बराबर 8 बटा 2, काट करके 2 चौका 8 यहीं की जा रहा है, फिर तीसरा मान 12 है और बी का है 3, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 1 चौका 4, यानी ए बटा बी बराबर 4 कहो या 4 बटा 1, एक निश्चित मान आ रहा है। जब हम लोग समानुपात को तोड़ते हैं तो एक नियत अंक आता है, इसको छोड़कर कोई दूसरा नहीं आता है। उदाहरण सब में देखते जाओगे अब, तो ए समानुपाती बी का अर्थ समझ गया, जब समानुपात को हम लोग तोड़ेंगे तो बराबर आएगा, बराबर क्यों आएगा तो एक नियत अंक आएगा गुने बी। ए समानुपात बी हमें यह बतलाता है कि कौन कितना गुना बढ़ता है, तो सब उदाहरण दे चुके हैं पहले भी। तो अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम समझना आसान हो गया, संवेग अच्छी तरह समझा दिए हैं, परिवर्तन की दर, तो इसको 21वां पाठ में इसको बतलाएंगे।